और शगुफ्तगी को दर्शाता उर्दू की विरासत को मुआनवल डीडी उर्दू एक चैनल एक तहरीक। और अब बारी हमारे आज के खास मेहमान की, जो कि है शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक बेहद चमकता सितारा। जी हां, मशहूर ग्वालियर घराने की पहली महिला संगीतज्ञ, ग्वालियर घराने की छठी वंशज, जिनके आने से ही ग्वालियर घराने का पुनरुत्थान हुआ ऐसा कहा जाता है। जी हां, शी इज सिक्स्थ ऑफ द अनब्रोकन पंडित लाइन। पद्म भूषण पंडित कृष्णराव शंकर और द लेजेंडरी एल के पंडित की ग्रैंड डॉटर और डॉटर होने के साथ साथ इन्होंने इन दोनों महान संगीतकारों से संगीत सीखा है और दीक्षा ली है। कहा जाता है कि संगीत इनकी विरासत में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर क्लासिकल गायिका मीता पंडित की। लेकिन मीता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती है कि संगीत किसी के खून में नहीं होता, आपको अपनी शिक्षा दीक्षा अपनी मेहनत और रियाज से ही इसमें महारत हासिल करनी होती है। एक बेहद खास मुलाकात मीता पंडित के साथ। मशहूर शास्त्रीय गायिका मीता पंडित ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि बेहद मुश्किल है एक बरगद के पेड़ के नीचे हिलना। कितना दबाव था ग्वालियर घराने की इस छठी पीढ़ी पर अपने घराने की विरासत को आगे बढ़ाने का। किस तरह से हुई इस सुरीले सफर की शुरुआत? हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि मानव संगीत की गंगोत्री, और ऐसे घराने में हुआ जो कि एक बहुत ही समृद्ध घराना, जैसे कि एक फाउंटेन हेड कहा जाता है। परंतु जो संगीत है या ऐसे जो भी आर्ट्स हैं वो विरासत में नहीं मिल सकते हैं। ये ऐसी कलाएं हैं जिनको आपको मेहनत करके एक गुरु के चरण में जाकर और भक्ति भाव से उनको लेकर और उसके बाद अपनी सोच से उसको डेवलप करना होता है, क्योंकि ये क्रिएटिव आर्ट है। और चुटपन से ही संगीत की लहरें हैं वो कानों पे पड़ती रही और मुझे बहुत उसमें इंटरेस्ट था। तो गाना सीखना मैंने कब शुरू किया ये मुझे खुद पता नहीं चला, क्योंकि ये एक हमारे अपब्रिंगिंग का एक अटूट हिस्सा था। एक्चुअली प्रेशर मेरे भाई पे था, तुषार पे, पर अनफॉर्चुनेटली हम उनको खो, वी लॉस्ट हिम व्हेन ही वाज 27, एक रोड एक्सीडेंट में हादसे में वो चल बसे। उन पे प्रेशर था बिकॉज वो इतने लायक थे कि सभी लोग, मेरे गुरु, मेरे पिताजी, दादाजी को उन पे बहुत विश्वास था कि वो परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। मुझ पे ऐसा कोई प्रेशर कभी भी नहीं रहा है, और छुटपन से ही मुझे तो संगीत बहुत अच्छा लगता था, मैं सीखती थी और आज भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सीख रही हूँ। मीता को ख्याल गायकी में महारत हासिल है। ख्याल शैली में गाने में उन्हें जो आनंद मिलता है वो बेहद खास है। उनकी शिक्षा भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ही हुई है, लेकिन इसके बावजूद मीता तराना, भजन, ठुमरी, सूफी आदि संगीत शैलियों में समान रूप से माहिर हैं।